नोकिया की टीवी की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है जो है उनके टीवी वेरिएंट्स के बारे में जो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाले, तो कौन कौन से है वो वेरिएंट्स और उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है और प्राइसिंग क्या हो सकती है, आज की वीडियो में उसी के बारे में जानेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले वीडियो के मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा कि आप लोग हैप्पी गाइड्स के क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो या नहीं। क्विज कॉन्टेस्ट क्या है वीडियो आप आगे देखो आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल पे वेरी बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टंटना। शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि भाई अमेजोन पे चल रहा है फ्रीडम सेल 8 तारीख से 11 अगस्त तक, और आपके लिए मैंने कुछ स्पेशल और डिस्काउंटेड डील्स डाले हुए डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अब यहाँ पे बात करते हैं नोकिया टीवी के जो नए वेरिएंट्स बहुत ही जल्दी आपको देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दो वेरिएंट्स आपको देखने मिलेंगे, एक है 32 इंच का और एक 50 इंच का। अभी तक नोकिया की टीवी में हमें 43 इंच का वेरिएंट देखने मिला था, 55 का भी दिखा था और 65 का, तो यही दो वेरिएंट बाकी थे जो 32 और 50 वाले, तो वो आपको बहुत ही जल्दी मार्केट में देखने मिल जाएंगे क्योंकि हमें अपडेट मिल चुकी है BIS सर्टिफिकेशन उसका हो चुका है। BIS सर्टिफिकेशन का मतलब है कि बस वो तैयार हो चुकी है, बस बोलते हैं लॉन्च होने के लिए। तो ये सारी अपडेट है इस टीवी से रिलेटेड। यहाँ पे जो 50 इंच का वेरिएंट है ये होने वाला है 4K अल्ट्रा HD टीवी, और जो 32 इंच का वेरिएंट है वो आपको HD या फुल HD हो सकता है, इसकी क्लैरिटी अभी तक नहीं मिली है। बात करें 50 इंच के वेरिएंट के स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं नोकिया के ट्रेंड को देखते हुए, तो इस टीवी में आपको डेफिनेटली A+ ग्रेड का पैनल देखने मिल जाएगा। इसी के साथ 10-bit कलर मतलब 1 billion से भी ज्यादा कलर आपको देखने मिल जाएंगे इसी टीवी में। डॉल्बी विजन का सपोर्ट तो मिलेगा, HDR कैपेबिलिटीज भी आपको देखने मिल जाएगी। बात करें ब्राइटन निट्स के बारे में, तो इस टीवी में एक्सपेक्टेड है कि 300 या 330 की ब्राइटन निट्स देखने मिल जाएगी, और कॉन्ट्रास्ट रेशियो तो जैसा उन्होंने हर टीवी में दिया हुआ है 1100:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो, तो इस टीवी में भी आपको वही देखने मिलेगा। और जहां तक सवाल है ऑडियो आउटपुट के बारे में, तो 24 वॉट का साउंड आउटपुट देखने मिल जाएगा। JBL के स्पीकर्स तो भाई नोकिया की टीवी में लगे ही होते हैं। और बात करें यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ये टीवी होने वाली एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, 2.25 GB का रैम हो सकता है, 16 GB का इंटरनल स्टोरेज हो सकता है, बिल्ट इन क्रोमकास्ट आपको देखने मिल जाएगा। सारे के सारे जो कंटेंट प्रोवाइडर ऑल OTT विल वर्क कम्प्लीटली फाइन इन दिस टीवी। और कनेक्टिविटी के मामले में भी आपको 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट देखने मिल जाएंगे, इथरनेट का पोर्ट देखने मिल जाएगा, ब्लूटूथ देखने मिल जाएगा, तो ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे आपको कनेक्टिविटी के मामले में। तो ये इंफॉर्मेशन है जो आपको 50 इंच के वेरिएंट में देखने मिलेगा, ये एक्सपेक्टेड है, अभी तक कंफर्म न्यूज़ नहीं है, मैं बार बार कहना चाहूंगा। और बात करें 32 इंच के बारे में, तो वहां पे वो HD रेडी हो सकता है या फिर फुल HD हो सकता है। लीकआउट के हिसाब से तो कहा जा रहा है फुल HD, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो HD रेडी टीवी होगा। और अब यहाँ पे बात करें दोनों ही टीवी के प्राइसिंग के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक इंडियन कस्टमर के लिए। तो यहाँ पे जो 50 इंच का वेरिएंट होने वाला है उसकी प्राइसिंग होगी 37,000 के आसपास, और जो 32 इंच का टीवी है उसकी प्राइसिंग मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, पता नहीं क्यों, मतलब इतना ज़्यादा अभी तक मतलब अनाउंस किया है, तो यहाँ पे मुझे लगता है उसकी प्राइसिंग होने वाली है 21,000 के आसपास। ये प्राइसिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रही है, तो शायद अभी देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं है, शायद इसे कम भी हो सकता है, इस पे आपको ध्यान रखना है। ये जरूरी नहीं कि भाई यही प्राइस हो। जो लोग नोकिया टीवी का इंतजार कर रहे थे ये वेरिएंट्स के लिए, तो वो उनको बस कुछ देर और वेट करना है, कुछ ही हफ्ते की बात है, बहुत ही जल्दी वो टीवी लॉन्च हो जाएगी, तो आपके लिए बोल सकते हैं बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसी के साथ ही साथ आपका क्या मानना है इस टीवी के बारे में मुझे जरूर बताइए। अब यहाँ पे आगे बढ़ते और हमारे बात करते हैप्पी गाइड के क्विज कॉन्टेस्ट के बारे में। तो मैंने पिछला क्विज कॉन्टेस्ट का सवाल था कितने टाइप के पैनल्स होते हैं टीवी में जो लगाए जाते हैं, तो आप देख सकते हो कि किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उनके नाम और विनर्स के नाम यहां पे देख सकते हो। और दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई हैप्पी गाइड क्विज कॉन्टेस्ट है का, तो उनके लिए मैं बता दूं कि भाई ये क्विज कॉन्टेस्ट ऐसा कॉन्टेस्ट है जहां पे हम आपसे पूछते सवाल, आपको देने हैं जवाब, और अगर आपने सही जवाब दिया तो हैप्पी गाइड की तरफ से आपको मिलता है लाइक और कमेंट में हार्ट भी दिया जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको फीचर भी किया जाएगा। और उसका ओवरऑल होल पर्पस यही है कि भाई इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बना जाए और हमारे पास जो कुछ नॉलेज है हम लोग एक दूसरे से शेयर कर सके। तो और ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि हम कुछ सीख पाएंगे कमेंट सेक्शन से, तो ये ओवरऑल इसका पर्पस है। और आज का सवाल क्या करे, आज का सवाल मुझे लगता थोड़ा कुछ अलग कैटेगरी में लेते हैं। आज मेरा मूड थोड़ा सा, मैं आज बहुत बॉलीवुड मूवीज देख रहा था और वो भी पुराने वाले, तो मैं आपको पूछता हूं कि आप मुझे बताइए कि आज का सवाल है
राजा हिंदुस्तानी मूवी कौन से ईयर में रिलीज हुई थी? दोस्तों ज्यादा ज्यादा मैं कहना चाहूंगा नोकिया की जो 32 इंच और 50 इंच के वेरिएंट के बारे में बात किया है। जैसी भी टीवी लॉन्च होगी हम आपके लिए एक डिटेल वीडियो तो लेके आएंगे। आपको क्या करना है, बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए जिससे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को मिस ना कर सके। तो बस हम आपके लिए एक डिटेल वीडियो तो लेके आएंगे। तो आप लेते हैं अलविदा, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। हैप्पी कैट। बाय बाय।